चाणक्य नीति जो आपका जीवन बदल दे। पहला, जो बीत गया उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, ना ही हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेक पुरुष केवल वर्तमान क्षण से निपटते हैं। दूसरा, सांप के दांत में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, परंतु दुष्ट मनुष्य इससे अतृप्त है। तीसरा, एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो ना तो उसके पिछले सिरे को ढकती है और ना ही कीड़ों के काटने से बचाती है। चार, जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करें। जब मृत्यु निकट हो तो तुम क्या कर सकते हो। पाँच, जो हमारे मन में रहता है वो निकट है, हालांकि वह वास्तव में दूर हो सकता है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वो दूर है, भले ही वह वास्तव में पास हो। छः, नैतिक उत्कृष्टता व्यक्तिगत सुंदरता के लिए आभूषण है। धार्मिक आचरण उच्च जन्म के लिए, सीखने में सफलता और धन के लिए उचित खर्च। सात, किसी व्यक्ति की उत्पत्ति का अनुमान उसके व्यवहार से, उसके मूल स्थान का उसके स्वर से और उसके भोजन के सेवन का अनुमान उसके पेट के आकार से लगाया जा सकता है। आठ, पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। ये सत्य की शक्ति है जो सूर्य को चमकाती है और हवा को चलाती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पर टिकी हुई है। नौ, अपने व्यवहार में बहुत ईमानदार न हो, क्योंकि जंगल में जाकर आप देखेंगे कि सीधे पेड़ कट जाते हैं और टेढ़े खड़े रह जाते हैं। दस, हमें सदैव वही बोलना चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करे जिससे हम कृपा की अपेक्षा कर रखते हैं। जैसे शिकारी जब हिरण को मारने की इच्छा रखता है तो वो मधुर गीत गाता है। 11, एक विद्वान व्यक्ति लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है। एक विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या के लिए हर जगह सम्मान पाता है। वास्तव में विद्या का सर्वत्र आदर होता है। उम्मीद है कि आपको मेरी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी। चलिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। राधे राधे।